विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय लता मंगेशकर चौक पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा की जा रही है। प्रभु श्री राम लला भी हैं यहाँ पे। भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को बनकर तैयार हो रहा है और रामलला टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए? अयोध्या से। यहीं से हैं। अयोध्या तो आप लोग बताइए, हमको तो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं कि कैसी लग रही है आप। बदलते हैं, अयोध्या आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जी। स्वर्ग यही है। स्वर्ग यही है जी। स्वर्ग यही है। अयोध्या दिव्य और बहुत अच्छी अयोध्या जी। हाँ। जी किसको श्रेय, श्रेय किसको दे रहे हैं? मोदी जी को और योगी जी को। और किसको श्रेय देना है? मोदी योगी जी को। जी 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 बहुत लोग आए। जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति के लिए सारी चीजें की जा रही है 24 ऐसा कुछ नहीं है। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया तो मंदिर बन रहा है, उसमें कौन राजनीति हो रही है? राजनीति भव्य सजाया मोदी जी ने तो उनका क्या बुराई है? अगर हो रही तो क्या बुराई है? जब जब इसकी सीट केवल 2 सीट थी तब से स्टार्ट किया है, फाइल में अब तक दे तो करेंगे ना, उठाएंगे फायदा, उठाएंगे आप भी उठाओगे, हम भी उठाते हैं फायदा। अपने घर की बात देख लो। विपक्ष का कहना है कि ये धार्मिक कार्यक्रम ना हो के इसको राजनीतिक कार्यक्रम। जब उनकी 2 सीट थी कोई राजनीतिक नहीं है, तब वो थे, तब मंत्री ने उन्होंने फाइट किया था। आज 320 जो भी जा रहा है, 400 आने। युवा तो परेशान है, यहाँ सबको काम मिल रहा है भैया, सबको काम मिल रहा है। देखिए 2018 मतलब में अयोध्या कैसा था और 2024 में कैसा हो गया आप देख लीजिए। हम बताते हैं बेरोजगारी किन के लिए है। जो जम्मू कश्मीर में पत्थर लगवाते थे, अब मोदी जी ने सबको बेरोजगार कर दिया। उनके लिए है बेरोजगारी। महंगाई किन के लिए है? करने वाले के लिए कोई नहीं है बेटा जी। मेहनत जो करता है, रेडी वाला है, पटरी वाला है, कोई रोड पे दंगा करने के लिए, बसे फूकने के लिए, पत्थर मारने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे, उनके लिए बेरोजगार होगी। वे हो गए बेरोजगार। और काम करने वालों के लिए तो काम इतना है, अयोध्या में आके काम कर लो, अयोध्या सच की यदि फूल भी बेच लोगे वो भी बेरोजगार नहीं रहने का। और भी लोग कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, दक्ष चौधरी नाम मेरा और मैं भाई गौरक्षक हूँ जी। और हमने एक बात कहनी है कि जिन लोगों की मानसिकता ये है कि भाई राम मंदिर ने भाई बीजेपी लेके आई या राम मंदिर ने कोई और लेके आया, भैया राम मंदिर उनकी वजह से आया। जितने कार सेवक थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, कोठारी बंधु जो 20-22 साल की उम्र में दोनों नौजवानों ने अपनी छाती पे गोली खाई, उनकी बदौलत है। और अगर इसमें बीजेपी जो 65 साल में नहीं हो पाया, अगर वो बीजेपी ने 15 साल में कर दिया, अगर उसका वो क्रेडिट लेती है तो उसमें कोई दिक्कत ना, हमें इससे कोई ऐतराज़ भी ना। और बात रही कि भैया अब जो ये आवाज़ उठ रही है कि भैया इतना पैसा लगा के इतना करके अगर कोई मंदिर बन जाता, हॉस्पिटल बना देते, उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। भी नोएडा गए मायावती पार्क में? जी नोएडा ही रहता। आपने उसमें क्या देखा है? उसमें मायावती पार्क में तो गए हो गए आपने। उस मायावती पार्क में करोड़ों पैसे लगा के और जमीन कितनी गिरी पड़ी है। आज वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नचनिया डांस होता है, वहाँ पे रील बनाई जाती है, वहाँ पे हाफ स्कर्ट पैंट पहन के लड़कियाँ डांस करती हैं। तो वो जवाब। और नखलऊ में कितनी बड़ी पार्क है। उन जो मानसिक जो जिब्बी जो बुद्धिजीवी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन पर क्यों नहीं उठाए सवाल? अरे हमारा तो भगवान, हमारी तो इससे हमारी आस्था हमारी भावना जुड़ी पड़ी है। और भैया साफ सीधी बात है, जिन्हें रोजगार चाहिए, अभी मंदिर का निर्माण हुआ है, जगह बहुत खाली है, भिखारी हो गया बहुत जगह, आओ आके बैठ जाओ, कटोरा घर से लेकर आओ, बहुत रोजगार मिलेगा। जय श्री राम, जय गौ माता। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनने कोई रोटी थोड़ी ना मिल जाएगी, ये सनातन धर्म है, मंदिर आके कटोरा लेके बैठ जाइए। आखिरी सवाल पूछना चाहो, सब्जी मिलेगी और ये सनातन धर्म है, रोटी के साथ सब्जी के साथ साथ दक्षिणा भी मिलेगी। आखिरी सवाल, 2024 नजदीक है, क्या होगा 2024 में? कौन आएगा फिर? 450 पार बीजेपी, 450 पार बीजेपी, हैप्पी एलियंस रहो, बिहार से पार हो जाए, बिहार से, आरा जिला से, आरा जिला। क्या स्थिति है बिहार में? बिहार में बहुत आनंद वाला चीज है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अच्छी बात है। बहुत तेजस्वी यादव जी का हालचाल ठीक है? बहुत बढ़िया है। आएंगे कि नहीं? और निमंत्रण पर स्वीकार कर लेंगे तो आ ही जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं उनके, आते होंगे। तो कहें मथुरा इस बार बनवाएंगे, मथुरा अभी काशी बाकी है, वो भी बनवाएंगे। राहुल गांधी उनको सिर्फ एक सीट मिलेगा क्योंकि इंडिया में कॉमेडियन का बहुत कमी है भैया। जो बात है तो बात है। हम दुर्गापुर, बात होने का नंबर है, हम दुर्गापुर से है, वेस्ट बंगाल से, और वहाँ हम दिल से चाहते हैं हमारे प्रभु श्री राम बीजेपी का वहाँ
जितना भी हो सब बीजेपी हर बार प्रयास करती है फेल हो जाती है। क्या कीजिएगा, एक बार बंगाल का स्टेट है, पेड़ काटने गया ना लोहा का, तो लोहा का बोला क्या मैं पेड़ काटने हो, पेड़ क्या बोलते हो, मेरा ही आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है। हिंदू का दुश्मन मेन हिंदू है, जिस दिन हिंदू ये समझ जाएगा कि हिंदू अपना है उस दिन बीजेपी पूरा वर्ल्ड में राज करेगा, भारत तो छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी आ रही है कि नहीं, वो तो भैया क्या बताएं, प्रभु का लीला जहाँ देखिए। आप तो हम इतना ही चाहते हैं प्रभु राम जिस दिन बीजेपी का सरकार बनाएंगे बंगाल में हम उस दिन मुंडन करवाएंगे ठीक है। और तो लगातार हम आपको अयोध्या से अपडेट दे रहे थे और हम 12 जनवरी से लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या होगा। 22 जनवरी जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे उसके बाद से साधु संतों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। चंद महीने में 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, लगातार हमें साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे और भी लोगों से बात कराएंगे। मेरा नाम विशाल सिंह है, ट्रेंड भारत।